जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। नहीं विश्वास होता है, नहीं काम बनते तो घर बैठ जाओ, भक्तों को बदनाम करना बंद कर दो और अच्छे से सुन रही हो बात जिसके बारे में बोला जा रहा है। ध्यान रखने इस बात का, जो घर से ये बोल के आया देखते हैं कैसे गुज्जा पाड़ता है, आराम होता है या नहीं होता, पेट में पानी नहीं है। सच्ची विश्वास वाली होगी तो हाथ उठा देगी। बेटा तू ध्यान रखिए ना, तो चार आदमी बैठे हैं भरे गांव के बीच में बेइज्जती करवा देगी भगवती, कोई इज्जत नहीं रही तेरी। और 36 भगत के पास घूम लियो, अगर वहां से ना बदनाम होते आवे तू तभी भगत का नाम बदल। अरे हर महादेव बोल सच्चे दरबार, लड्डू लेने हैं कि नहीं लेने? नहीं लेने किस चीज का मार्केट से लेने? कैसे इंसान की तरह नहीं लेना जाता क्या? क्या काम बच्चे का नुकसान करवा रहे तू, क्या काम करता है? मत्था टेक, शांत हो जा। नहीं गिरे शांत हो, मत्था टेक बच्चे का नुकसान मत करो, प्यार से बोला जा रहा बच्चे की तरह मान। कुछ करो भाई यार, बैठा नहीं जा रहा भाई, चौकी ला के तो मंदिर रसोई में तो नहीं रहता, सीधा तेल लेके इधर ही आया, लहसुन प्याज तो नहीं खाया। क्या नाम है एक ही बताओ? वरुण। पिताजी का कहाँ से हो? तुमने कोई मकान वगैरह भी खरीद के बेचा है? खास अमृतसर क्यों आप? आ रही है कोई काम नहीं बन रहा, बीमार रहते हैं, कोई बीमार पेशेंट होके मरा है, खत्म हुआ है कोई? जैसे कोई बीमार था, बीमार में खत्म हो गया, अभी 5-6 महीने के बीच बीच में था, कौन हुआ है? तुम्हारे किसी चीज का केस चल रहा था? पहले चला था अपना खुद का कारोबार आपका? जो काम करने की सोचते हर चीज में रुकावटें आ रही है, कुछ काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है, चार पैसा घर में जोड़ने की कोशिश कर रहे पर 4 से डबल निकल के घर से बाहर जा रहा है। किसी लोन वोन के लिए भी बातचीत चल रही है तुम्हारी? जैसे बिजनेस के लिए कुछ लोन वोन का? तीर पूछते हैं आपके? ये पटियाले वाली खड़ी है तुम्हारे पास, इसका कुछ गए थे क्या थान मकान पे? कुछ गए नहीं तो कुछ दिया था? ये पटियाले वाली की कोई भगत नहीं थी उसके पास, कुछ लेने गए थे आप? पटियाले वाली माँ, ठीक है। फिर आपके काम क्यों नहीं बने जब वहाँ से आपका गुरु है? तो माता जी बात ये हुई कि हमें हमारे गुरु ने बताया कि जितना माता
अच्छी क्या है? हमें सीता मैया का तो बता दिया वो क्या है, हमें मुखारी मैया का भोग नहीं बताया कि कैसे उनको मनाना है। देखो सुनो मेरी बात, पहली बात तो ये पता लगना जरूरी है आपके लिए कि तामसिक चलती है कि सात्विक चलती है। तो जैसे सात्विक चलेगी तो मसानी माँ, जैसे किसी के तामसिक भी चलती है किसी के सात्विक चलती है। अगर आपके सात्विक चलती होगी तो सीधी सी बात है कि लोग पता से भी चलती है। और तामसिक चलेगी तो दारू लेगी, बकरा लेगी, अंडा लेगी, कलेजी लेगी, भेंट भी लेगी। ये पत्थरी किसके है और हाथ पैर किसके मुड़ जाते हैं? आपके मुड़ते हैं। किसी के पित्त पड़ा था क्या, मतलब जैसे मवाद होती है किसी के मवाद पड़ गई थी पेट में, पित्त की थैली में निकाल दी है। तुम्हारे तो पीर साहब भी दिख रहे हैं, पीर भी पूछते हैं तुम्हारे तो। एक्सीडेंट किसका हुआ था, चोटे किसे लगी? देखो आपके पटियाले वाली खड़ी है, ठीक है, बुड़गामे वाली जोड़े में चल रही है, ठीक है, और आपके एक शक्ति और चल रही है बट वो आगे नहीं आ रही है, पर उसकी ऊर्जा खड़ी है दोनों शक्तियों के साथ, ठीक है। आपको ऊपर नीचे का मकान है, ठीक है, आपके घर के आगे कुछ खुला मैदान है, कोई घर के ऊपर कोई झंडा वंडा लगा रखा है? मैन गेट आपका लोहे का है, आपके घर के आगे कोई चौतरी बनी हुई है, जैसे कि एंट्री करते हैं वो बाहर की साइड जैसे कि चौतरी बना देते बैठने के लिए, दो तीन सीढ़ियां चढ़ के एंट्री है। हाँ, आपकी कोई गांव में भी भगत दिखा रही है भगवती, कोई गांव में भी आप जहाँ से आए हो वहाँ भी कोई भगत है। देखो आपके घर में ना भगवती, सुनो आपके घर में भगवती गद्दी दिखा रही है कि आपकी पुरखों में किसी के पास गद्दी थी, गद्दी गद्दी गद्दी, जैसे कि पूछा देने वाली गद्दी होती ना, कोई आपकी पीढ़ी में कोई गद्दी लगाता था। देखो पीर साहब दिख रहे हैं जो डोगे से लाठी से चलते थे, ठीक है, उनका वाणा है हरे कलर का, ठीक है, उनकी तेल की जो चलती थी, जो आपके पीर पूछते हैं। एक जो चलती थी? नहीं, आपके घर पे चार जोक है। हाँ, तो कौन से बाबा जी हैं वो, क्या नाम? पीर साहब, आप नॉर्मली पीर है वो, तो वो पीर को आप किस तरीके से पूछ लो, है ना। तो आपके जिस भगत ने गद्दी लगाई थी वो पीर साहब को लेके चलता था, पटियाले वाली चलती थी, ठीक है, और वाहेगुरु तो आपके है ही है। भगवती दिखा रही है कोई मनप्रीत के नाम का कोई भगत था, मनप्रीत किसका नाम है, 60 साल की चीची दिखा रही है, मनप्रीत नाम था उसका, बंदा था, बंदा पता राणा पीछे के कोई भी है, राणा ना पीछे का गांव में भी कोई पता राणा नहीं पता जिसे हम पता कर सकते। उसने 3 से 5 साल गद्दी लगाई है सिर्फ, उसके बाद उसने गद्दी नहीं लगाई है और वो गद्दी वहीं से रुकती गई है। पूछा भी लेता था, घर का इलाज भी होते थे। अब तुम्हारे घर में कोई शक्तियां विराजमान नहीं हो रही है क्योंकि पहले से ही शक्तियां बिखर गई है, मतलब कोई नहीं पूज रहा हूँ शक्तियों को।
जो पीर साहब थे वो अगरबत्ती लेते थे। बकरे दिखते हैं क्योंकि तुम्हारे बकरों की भेंट दी जाती है तुम्हारी कुल की देवता नाम की, उसको पटियाला वाला पटियाले वाली माई का भोग लगा लो जब मसाणी का लगा लो, क्योंकि बकरे की भेंट दी गई है और वो मदारे पे चलती है मतलब तामसिक पे चलती थी तुम्हारी शक्तियाँ। हाँ और अब तुम ये आए हो पूछने के लिए कि हम इतनी पूजा करते हैं इतना सब कुछ कर लिया पर हमारे काम क्यों नहीं खुल रहे, अगर हमारे कुल के देवता है तो हमारे साथ क्यों नहीं दे रहे, हमारे काम धंधे क्यों नहीं खुल रहे। देवता मतलब तुम्हारे बताए ना पीर साहब, हाँ तुम्हारे पितर भी चलते हैं, पितर समझते हो ना, हाँ तुम्हारे दो पितर है, एक पितर आपका बड़ा है एक, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, अगर आपको मतलब जब भगवती हमारी आदेश दे रही है गद्दी के लिए तो हमें गद्दी क्यों नहीं दे रही। दूसरी बात, पहली बात मेरे इधर से क्लियर जवाब दिया जाता है यही बात है, आपके कुल के देवता खुश नहीं होलेंगे जब तक आप किसी शक्ति को नहीं पूज सकते, जब भले आपकी गुरु ने आपको कोई सी भी शक्ति दे रखी आगमन कैसे हो जाएगा जब तक आपकी कुल की देवी खुश नहीं हो रही, जब आपके कुल के देवता आपके जो इष्ट है वो जब तक खुश नहीं हो लेंगे आपकी भक्ति पूजा से तो दूसरी की शक्ति को आपके घर में कैसे विराजमान करा दूंगी। ठीक है देखो भगवती तो यही कह रही है आगे नाम है, इनके जब कुल के देवता राजी होंगे इनकी गद्दी यही बता रही है कि जो इनके गुरु है वो ही बताएगा कि मेरे गुरु मेरे मेरे कुल के देवता मेरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी चीज उनको भगवती ये भी आदेश दे रही है तुम्हारे गुरु के लिए कि उनको जाके भटक रहे हैं बच्चे और जो कुल के देवता है उन्हीं से इनकी शक्तियां पात कराओ, जो इनका गुरु है सही रास्ते पे मार्ग दिखाओ और इनको जो भी फैसले होंगे भगवती वो फैसले बच्चों को दो। तुमसे बोतले बोतले भी मांगी है तुम्हारे गुरु ने दारू, वो वैष्णवी दरबार है क्या, कोई भोग दिलवाया है तुमसे दारू का, नहीं तो तुम्हारे दारू की दिख रही है नहीं 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 सुनो आपके नहीं पीता है पर दारू दिखा रही है और बकरा दिखा रही है। हाँ पता नहीं ना कुछ भी हमारे आपकी कुल की देवी गुड़गांव वाली है, ठीक है ठीक है, आपके पटियाले वाली है, आपके पितर देवता जो है कुल के देवता मैन है और आपके जो पीर साहब है वो आपके मैन है, दो शक्तियाँ और एक कुल की देवी ये आपकी मैन है। ठीक है माँ मदानंद जो गुड़गांव वाली है वो सही है कि आपकी कुल की देवी है पर उसके साथ जोड़े में पटियाले वाली चल रही है। ठीक है तो तीन शक्तियाँ आपकी कुल की देवी है, आपके पितर देव आपके पीर साहब और आपकी गुड़गांव वाली है, मसाणी माँ चलती है, हाँ मदानंद। ठीक है तो कोई सी शक्ति ऐसी नहीं हो सकती जहाँ मदानंद नहीं चलेगी। हाँ तो आपकी शक्तियाँ लेके कुल की जो जैसे एक होती है ना गांव गुहाने की शक्तियाँ और वो है तुम्हारे अमृतसर के पास पड़ती है पटियाले वाली। क्या नाम है तेरा, उमा? तेरे पे भी किसी चीज का असर होता है क्या, पता नहीं अचानक से बैठे बैठे आंखें निकल जाती है तेरी बाहर, अंगड़ाई सी तोड़ती है हाँ। गंदी गंदी गालियां बकती है तू पानी पड़ के रखवाया तो तूने पहले अपने घर में कहाँ से लाई थी, मुसलमान था मुल्ला था, बहुत अच्छे दरबार है। भाई करवाओ इसका काम, बाबू घर बैठे काम नहीं खुलते, जाएगी चार जगह पे कहीं अच्छी जाती जैसे आज बुला लिया हाँ चार दिन में फिर मना कर देते जहाँ पे मुझे पांच पांच छह साल हो गए काम करते करते
क्या काम था पहले हॉस्पिटल में करती थी आज तो कोई भी काम ही नहीं लग रहा काम लग रहा अपने अपने नुकसान करेगी अपने बच्चों का घर का एक महीना ठीक है वैसे अज्ञात